महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस बार नाराज एनसीपी प्रमुख शरद पवार हुए हैं और पवार की नाराजगी उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ने वाली है। इस बार एनसीपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल पवार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के हालिया बयानों से नाराज हुए हैं। एनसीपी प्रमुख पवार को पटोले की बात इतनी बुरी लगी है कि उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से शिकायत भी की है। असल में नाना पटोले ने हाल ही में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का बयान दिया था, जिसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी से इस बात पर स्पष्टीकरण भी मांगा कि क्या कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। यही नहीं, पवार इस बात से भी नाराज हुए हैं कि नाना पटोले ने कुछ समय पहले ये कह दिया था कि बारामती वाले ने 2014 में कांग्रेस की पीठ में कटार भोग दिया था। एक दिन पहले ही पटोले का ये बयान भी नागवार गुजरा कि महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक पटोले से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नाराज बताए जा रहे हैं और पटोले के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर हाल ही में पलटवार भी किया गया था। वहीं पटोले के बयान से महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं और पंजाब राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए संकट खड़ा हो गया है। हालांकि पटोले के खिलाफ पवार की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने तुरंत एक्शन लेते हुए वरिष्ठ नेताओं को मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा पटोले को दिल्ली तलब किया जा सकता है। कांग्रेस और शिवसेना के लिए मुश्किल ये भी है कि पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही पवार की नाराजगी दूर नहीं हुई तो महाराष्ट्र में खेला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।